यहाँ से आप 4x4 के बगैर नहीं छोड़ते ना। डेड बॉडी है इसमें, रस्सी है, अगर डेड बॉडी आपको इसमें भी आएगा अच्छे से तो ले आओ। अल्लाह खैर करे, थोड़ा सा पत्थर हमें मिलना चाहिए, लॉक नहीं हो रहा है। कैमरा में दिख रहा है आपको ये इजी, बट यहाँ से जो है पूरी खाई है, यहाँ से पहाड़ है। नहीं 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 नहीं, मुझे कैंपिंग करनी थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको सलामत रखें। और एक व्लॉग की शुरुआत करते हैं, और एक सफ़र की शुरुआत करते हैं हम आज। और ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ ज़रूर गिरेगी आज। पहले गाड़ी का टायर प्रेशर वगैरह हम चेक करेंगे। अब ये सब बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें मे बी लद्दाख जाना पड़ेगा। शुक्र है कि मैं यहाँ पर आ गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता आगे। यहाँ के नट देखते हैं, ये भी खुलाई है ना। अभी अंदर हम सामान की बात करेंगे तो सब कुछ हमने उठाया है। पीछे जो है टेंट वगैरह है, कहीं पे हमें टेंट देना पड़ेगा। शुक्रिया, बिस्मिल्लाह तवक्कलतुल्लाह या अल्लाह रहम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह या अल्लाह रहम, फसल करम। चलो जी, अभी सीधा आगे की ओर, यहाँ से सोनमर्ग तक। और सोनमर्ग तक कितना टाइम हमें लगेगा वो हम देखेंगे। मौसम अभी से ऐसा होके रखा है ना कि बर्फ कभी भी गिर सकती है। ये लो भाई साहब, अभी अपने सफर की ओर चल रहे हैं हम। अभी यहाँ से लेह 395, करगिल 169 एंड द्रास 112, सोनमर्ग इज 50 किलोमीटर। बारिश की शुरुआत हो गई है, तकरीबन हमने 50 किलोमीटर कवर किए हैं श्रीनगर से। अभी हम पहुंचे कंगन। दिल थाम के बैठिए, अच्छे से देखें और क्या कुछ हो जाएगा, दुआ करें सब कुछ अच्छा ही हो। मैं सोनमर्ग अंधेरे में पहुंचूंगा और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि अंधेरे में मुझे टेंट लगाना पड़े, और बर्फ होगी तो और भी मुश्किल होगा। मे बी अगर सोल्ड आउट भी होगा ना तो हम वापस नहीं आने वाले, हम टेंट देंगे, टेंट में स्टे करेंगे हम, लेकिन वापस मुड़ने वाले नहीं है हम। एयरपोर्ट श्रीनगर से सोनमर्ग आपको 101 किलोमीटर पड़ता है, जिसमें आपको 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। यहाँ से बर्फ भी स्टार्ट हो गई है। 2-3 होटल्स को कॉल करने के बाद, होटल ग्लेशियर हाइट्स मैंने देखा गूगल पे एंड आई कॉल्ड। मैंने सोचा था मैं टेंट उठाऊंगा, वहाँ पे सोनमर्ग पहुँच के टेंट देंगे, हम टेंट में रहेंगे, बर्फ में स्नो कैंपिंग हो जाए, लेकिन ये स्नो कैंपिंग हम कल करेंगे। और यस, होटल ग्लेशियर हाइट्स सोनमर्ग, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। तो बर्फ अच्छे से गिर रही है यहाँ से, अभी मुझे संभल के चलना पड़ेगा। यहाँ से तो रोड भी बहुत खराब है। अभी इस वक्त यहाँ से सोनमर्ग की और खाली हमारी गाड़ी है, बहुत रिस्की है, कोई भी गाड़ी नहीं है यहाँ से, क्योंकि बर्फ देखो कैसे गिर रही है बहुत जबरदस्त तरीके से। और सोनमर्ग यहाँ से 15 किलोमीटर है अभी हमें सोनमर्ग तक ही। मेरे पास बुकिंग भी है, सब कुछ है। किस होटल में? मुझे है होटल ग्लेशियर हाइट्स। ग्लेशियर हाइट्स पता नहीं, बट मैंने कॉल किया, मुझे होटल बुक करके नहीं था, मुझे कैंपिंग करनी थी, बट अब मुझे लगा बर्फ ज्यादा हो रही है, मैंने गूगल पे सर्च किया, इन लोगों ने बोला कि आ जाओ भाई, कोई मसला नहीं। बस हाँ प्लीज, अच्छा बोलो। ये दूसरे किस्म का फोटो है, पहले ना मैं इस कैमरे को, पहले मैं कैमरा बाहर लगा था। चलो सर चाय पियेंगे? नहीं बस, थैंक यू, अल्लाह सलामत रखे, अभी आप लोगों की भी ड्यूटी है। बर्फ गिर रही है भाई लोग मस्त तरीके से, और सर का कहना है कि जल्दी से निकलिए क्योंकि बाद में बहुत स्लिपरी होगा तो मुश्किल हो जाएगा। पहले ना मैं इसको यहाँ लगाता हूँ। यहाँ से आप 4x4 के बगैर नहीं छोड़ते ना। नो सर।
मैं अभी गाड़ी के ऊपर चढ़ गया, जैसे कैमरा हमें यहाँ पे लगाना है। थैंक यू बॉस। ओके ओके। या अल्लाह, अभी हमने एक कैमरा ऊपर लगाया, उसमें आप फुटेज देखें कैसा क्या आएगा मुझे नहीं पता, कैमरा उधर गिर भी सकता है। आप लोगों को दिखाना इज इम्पोर्टेंट। अरे भाई, ये क्या हो गया आज, अल्लाह खैर करे। यहाँ पे आप ये गाड़ियों को नहीं छोड़ते हैं, देवर लाइक फटाफट से निकलो बिकॉज बाद में अंधेरा है ना, 4x4 भी कितना कमाल करेगा, फिर अंधेरे में परेशानी होती है। एंड इनकी ड्यूटी है, अगर ये वापस भी मोड़ते तो मेरे पास कुछ नहीं था, इनके भी ऑर्डर्स होते हैं ऊपर से। बहुत बार मैं वापस गया हूँ, लास्ट ईयर में बाइक पे जब राइड थी मैं सिंथन टॉप वापस गया, मैं एक बार सोनमर्ग भी वापस गया, और यहाँ से अभी बर्फ़ बहुत अच्छे से जमा भी हो रही है। बाकी में दिस इज डेंजरस, मैं आपको बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप रात को निकलिए। सनमार्ग हम जा रहे हैं रात को और इतनी बर्फ में मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे हो रही है बीच बीच में, और हम बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच चल रहे हैं अभी। ये देखो, होय 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 होय, अभी वहां से गाड़ी वापस आ रही है, उसका भी ख्याल रखना है क्योंकि छोटी गाड़ी आती है ना तो कंट्रोल इनमें करना बहुत मुश्किल होता है। आई डोंट नो मैं बोल क्या रहा हूँ, बट आप सिचुएशन को समझिए खुद। ओके, चेन लगा के हैं। ऐसी सिचुएशन पे ना दिमाग को ठंडा रखें, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, अगर डर गए तो फिर किसने बोला घर से निकलना। तो हम चलेंगे, अल्लाह का नाम लेकर हम चलेंगे। यहाँ पे भी शायद रोक रहे हैं ये लोग। यस, नहीं रोक नहीं रहा है कोई, बस स्लिप हो रही है गाड़ी। सब ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सब? तो अच्छा, डेड बॉडी था इंसान मार के कसम जोर चला। डेड बॉडी है इसमें? हां। तो रस्सी है? वो आ रही है वहां से गाड़ी। आ रही है गाड़ी वहां से? मेरे पास भी रस्सी, अगर करनी है रस्सी तो मैं लेके जाऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। गाड़ी आ रही है, इसमें आ जाएगा क्या? नहीं, आप वहाँ से गाड़ी आ रही है, डेड बॉडी है, इसको चेक करना है। डेड बॉडी है, अगर डेड बॉडी आपको इसमें भी आएगा अच्छे से तो ले आओ, कोई मसला नहीं। आप बोलो, वैसे तो मुश्किल है। थैंक यू। तो अभी डेड बॉडी है भाई, ये सिचुएशन मैं समझ सकता हूँ। यहाँ से इनको करगिल जाना है तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, करगिल जाना रात को भी मैं जा सकता हूँ। 4x4 गाड़ी है, 4x4 लगाएंगे, चेन भी यहाँ से मंगवानी पड़ेगी तो मंगवाएंगे, लेकिन डेड बॉडी को पहुँचाएंगे। अब इनके पास गाड़ी है ऑलरेडी, ये बोल रहे हैं कि हमारी एम्बुलेंस आ रही है। देख लो भाई, ये है मंजर, सफेद चादर है रोड पे। पूरा जम गया है जिसकी वजह से टायर ग्रिप नहीं पकड़ रहा है सही से। कैमरा में दिख रहा है आपको ये इजी, बट यहाँ से जो है पूरी खाई है, यहाँ से पहाड़ है और बीच में हम चल रहे हैं।
आधा रास्ता तो हमने कंप्लीट किया, लेकिन गाड़ी ना यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा रही है। आज ये भी पता लग रहा है कि बीस्ट हमें किस तरीके से साथ दे रहा है। वेलकम टू सनमर्ग भाई साहब। यहाँ पे नीचे उतरना है तो बहुत संभल के उतरना है। वेलकम टू सनमर्ग। सनमर्ग ऐसे स्वागत करेगा हमारा, सोचा नहीं था। यहाँ पे और एक मुश्किल टास्क, क्योंकि ऊपर चढ़ना है। ये हमारा बीस्ट 4x4 के बगैर ऐसे चल रहा है रात को, जबकि कोरा बन गया है इस बर्फ को। गो, लेट्स गो, लेट्स गो। बढ़िया। सनमार्ग 3 किलोमीटर ले 3848 एंड करगिल 1, 2, 3। वैसे अभी करगिल जाना उनको ना बहुत मुश्किल होगा, अभी पॉसिबल नहीं है उनके लिए, क्योंकि जोजिला टॉप जो है ना वहां पे बहुत बर्फ होगी। भाई साहब वेलकम टू सनमार्ग फाइनली। ओए होए 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 भाई 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 वहां नहीं जा। देखो भाई रास्ते का हाल कैसा है, थोड़ा सा नज़ारा तो बनता है आपको दिखाने का। और पीछे के टायर की बात करेंगे ना। वेलकम टू सनमार्ग। आज हमें कैंप करना था लेकिन वो हम कल करेंगे। अभी हम ना ऊपर जो कैमरा रखा था उसको पहले नीचे उतारेंगे, वहीं पे है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। फाइनली सनमार्ग। हाँ भाई साहब वहीं पे है, लेकिन लेंस पे तो पूरा बर्फ है। लेट मी चेक, ये देखो भाई मैंने कहाँ पे कैमरा लगाया था आप लोगों के लिए। चल रहा है क्या? चल तो रहा है। इसको निकालेंगे हम, इसको ऑफ करेंगे पहले। भाई साहब क्या सफर रहा यहाँ तक, बहुत मजा आ गया भाई, बहुत मजा आ गया। ये सब चीजें इंसान ना, पहले मैं नीचे उतरता हूँ फिर मैं बोलता हूँ, क्योंकि बहुत स्लिपरी है। एंड दिस इज द लुक ऑफ आवर बीस्ट। अभी होटल हमारा आगे है और अब हम चलेंगे आगे की ओर। ये इधर लगाने का। यहाँ पे हमने कॉल किया था भाई होटल ग्लेशियर हाइट्स। हमारी गाड़ी तो चलेगी भाई। यहाँ पे 4x4 लगाना पड़ेगा मेरे को। अपना फ्री व्हील हब जो है ना वो हमें लॉक करना है। बिस्मिल्लाह, फ्री व्हील हब लॉक हो जा। बिस्मिल्लाह। सेकंड फ्री व्हील हब। थोड़ा सा पत्थर हमें मिलना चाहिए, ये लॉक नहीं हो रहा है। छोटा सा पत्थर मिलना चाहिए इसको। हो गया, डन डन डन। वाह, सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ नहीं नहीं, इसमें 4x4 नहीं लगाया था, आप ही थे। बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो बहुत परेशानी थी मुझे। ठीक है आप अच्छे से? नहीं, इसमें फ्री व्हील हब पहले लॉक करना पड़ता है, अब हो जाएगा। ओ भाई साहब, या अल्लाह, इंशाल्लाह हब तो चलेगी भाई। बिकॉज पीछे नाला तो नहीं है, Thank you.
कूल, थैंक यू सो मच बीस्ट इतना साथ देने के लिए. एंड फाइनली वी आर एट होटल ग्लेशियर हाइट्स. थैंक यू सो मच. नहीं तो मुझे आज टेंट लगाना था, वो कहाँ पे लगाना था वो मुझे भी नहीं पता. मुझे आज कैंपिंग करने का इरादा था सुनो मैं. चलो जी थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इतना गर्म रूम, इसको थोड़ा कम कर दो. कोई बात, ये कम नहीं हो जाएगा, बंद ही हो जाएगा. बंद ही कर दो फिलहाल, बंद हो जाएगा. हाँ इतनी गर्मी है ना, अभी मैं बीमार पड़ जाऊँगा. एक नज़ारा दिखाऊँ फ्रेश होके, बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह. हमारा बीस्ट यहाँ पे और हमारी कॉफ़ी इस बर्फ़ में. ओए होए होए होए, इनकी खातिरदारी, मेहमान नवाजी, अनएक्सपेक्टेड, बहुत बहुत शुक्रिया. और हमने बोला कि भाई साहब कॉफ़ी हम पियेंगे तो वो हम पियेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम थोड़ा अलग मिजाज के. ऐसे यहाँ पे रूम वगैरह बहुत बढ़िया है. एंड मैं आप सबको दूंगा नंबर, इस होटल का नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, आप इजीली बुकिंग अपनी बना सकते हैं पहले से ही. वाह क्या नज़ारे हैं सनमार्ग के भाई. अब ये हमारा रूम कुछ इस तरह. और मैं अक्सर कहता हूँ अल्लाह पे भरोसा, थिंक पॉजिटिव और हिम्मत ना हारिए, आगे बढ़िए. हमने सोचा था कैंपिंग करेंगे और हम कहाँ पहुँच गए. ये बाहर का व्यू इधर से, बर्फ़ अभी हल्के से गिर रही है तो बहुत अच्छा है. हीटिंग सिस्टम भी है, मेरे पसीने छूट रहे हैं अंदर आने के बाद. मैंने पहले इसको बंद रखा हीटिंग को, बहुत अच्छा है. तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप सबको कि आप स्टे करना होगा ना सनमार्ग में तो यहाँ पे करिए. फिलहाल हम रेस्ट करेंगे यहाँ पे, एडिटिंग करेंगे, फ़ोन वगैरह चार्ज पे रखेंगे, वी कैन मेक अ कॉफ़ी बाद में यहाँ पे. और टिश्यूज, नाउ दिस इज सोप एंड ब्रश, यस ये भी तो लगेगा सुबह. डन, वाटर बॉटल भी लगेगी, इसको रखेंगे यहाँ पे. नीमू को बनाया टोकरी है ना डिनर में कुछ इस तरीके से. दिस इज राजमा दाल, माय फेवरेट, एंड पनीर. ओके तो अभी हमारा डिनर हो गया अच्छे से, बहुत ही अच्छा लगा. और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह, बहुत खूबसूरत. हम एडिटिंग करेंगे अच्छे से, बैठ के वक्त देंगे व्लॉग्स को एडिट करने में. कल क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ हम जाएंगे, कैसे कैंपिंग करेंगे, स्नो राइड कैसे करेंगे, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा. फिलहाल के लिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. और अपना ख्याल रखें, प्यार बरसाएं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें ज़रा, और कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर करें इन वीडियोज़ को. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, लव यू ऑल.